हेलो एंड वेलकम टू डायनेमिक स्टडी। आज की क्लास में हम एक नया सब्जेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं जो कि है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागॉजी। तो चाइल्ड डेवलपमेंट का सब्जेक्ट जो है ये आपके CTET या फिर CTET के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। चाइल्ड डेवलपमेंट बहुत सारी टीचिंग एग्ज़ाम्स में पूछा जाता है, तो अगर आप कोई भी टीचिंग एग्ज़ाम्स दे रहे हो और उसमें सब्जेक्ट आपका चाइल्ड डेवलपमेंट है तो ये वीडियो आपको बहुत हेल्पफुल होने वाली है, आपकी बहुत हेल्प करने वाली है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लेसन 1। आज हम अपना लेसन 1 स्टार्ट कर रहे हैं। तो लेसन 1 में बेसिकली हम इंट्रोडक्शन करेंगे, मीनिंग एंड कॉन्सेप्ट करेंगे। इंट्रोडक्शन में हम डेवलपमेंट का इंट्रोडक्शन लेंगे कि इंट्रोडक्शन क्या होता है, डेवलपमेंट क्या होता है, इसका इंट्रोडक्शन क्या है, एंड चाइल्ड डेवलपमेंट क्या होता है। उसके बाद हम मीनिंग एंड कॉन्सेप्ट समझेंगे चाइल्ड डेवलपमेंट के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डेवलपमेंट क्या होता है इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो डेवलपमेंट बेसिकली ग्रोथ ऑफ ह्यूमन है। ग्रोथ ऑफ ह्यूमंस को हम डेवलपमेंट बोल सकते हैं कि जिस तरह लोगों की ग्रोथ होती है, जिस तरह ह्यूमंस की ग्रोथ होती है उसको हम डेवलपमेंट कहते हैं। एंड थ्रू आउट द स्पैन ऑफ लाइफ, ओके, थ्रू आउट द लाइफ स्पैन, मतलब जन्म से लेके मृत्यु तक जो उसकी ग्रोथ पीरियड होता है, जिस तरीके से उसका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता है, वो सारा ही डेवलपमेंट बोला जाता है। सो वी कैन से फ्रॉम कंसेप्शन टू डेथ, और देयर इज़ अ मीनिंग दैट इज़ फ्रॉम वूम टू टूम, मतलब वूम से लेकर, वूम का मतलब होता है गर्भ से लेकर और आपकी मृत्यु शैया तक, मतलब टूम तक, मतलब जो आपका हो गया, इसका मतलब हो गया आपका कि जो बेसिकली आप जब मरते हो तब तक वो पूरे ही टाइम में जो आपका डेवलपमेंट हो रहा है उसको हम डेवलपमेंट बोलते हैं, या जो आपकी ग्रोथ हो रही है उसको हम डेवलपमेंट बोलते हैं। ये बेसिकली जो डेवलपमेंट है या जो अब स्टडी है डेवलपमेंट की, ये एक साइंटिफिक स्टडी है क्योंकि इसमें हम अंडरस्टैंड करते हैं और एक्सप्लेन करते हैं कि व्हाई एंड हाउ पीपल चेंज थ्रू आउट लाइफ, कि लोग क्यों बदलते हैं और क्यों उनके में चेंजेस आते हैं थ्रू आउट द लाइफ स्पैन ऑफ द टाइम, ओके। तो ये आपका, इसलिए हम बोलते हैं कि डेवलपमेंट एक साइंटिफिक स्टडी है। दिस इंक्लूड्स ऑल एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन ग्रोथ इंक्लूडिंग फिजिकल, इमोशनल, इंटेलेक्चुअल, सोशल, परपिचुअल एंड पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। तो डेवलपमेंट में सिर्फ ये नहीं होता कि कुछ आस्पेक्ट ही कवर किए जाएँ ह्यूमन ग्रोथ के, बेसिकली बहुत सारे ऐसे आस्पेक्ट्स होते हैं डेवलपमेंट में जो कि कवर किए जाते हैं, जैसे कि आपका हो गया फिजिकल आस्पेक्ट्स, ठीक है, जैसे जो ग्रोथ होती है, जो फिजिकल ग्रोथ होती है एक ह्यूमन बॉडी में, वो सारा भी डेवलपमेंट में कवर होगा। उसके बाद आपकी इमोशनल ग्रोथ हो गई, इमोशनल डेवलपमेंट हो गया कि कैसे स्टार्टिंग में जो एक चाइल्ड होता है वो बहुत ज़्यादा इमोशनली सिक्योर नहीं होता है, बट धीरे धीरे जब चाइल्ड ग्रो करता है, उसके अंदर मेच्योरिटी आती है, तो वो इमोशनली स्टेबल होता जाता है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि डेवलपमेंट में आपका इमोशनल डेवलपमेंट भी आता है। उसके बाद आपका आया नेक्स्ट है इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट। अब इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट का मतलब क्या हुआ? इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट को हम कॉग्निटिव डेवलपमेंट भी बोलते हैं, और कॉग्निटिव डेवलपमेंट में बेसिकली बौद्धिक विकास होता है। जैसे जिस तरह से एक चाइल्ड के लेवल पर माइंड जो होता है हमारा, जिस बहुत छोटा होता है, और हमारा दिमाग जो बौद्धिक स्तर होता है वो इतना बड़ा नहीं होता है, पर धीरे धीरे जैसे वो चाइल्ड डेवलप होता है, जैसे जैसे उस चाइल्ड में ग्रोथ होती है, हमारा जो मानसिक स्तर होता है, जो मानसिक विकास होता है, वो बढ़ता जाता है। तो इसलिए ये डेवलपमेंट कॉग्निटिव डेवलपमेंट भी होता है, या फिर आप कहिए कि इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट भी होता है। नेक्स्ट है हमारा सोशल डेवलपमेंट। सोशल डेवलपमेंट का मतलब होता है कि जो हमारी वैल्यू सिस्टम है, जो सोसाइटी है हमारी, जिस सोसाइटी में हम रह रहे हैं, जो हमारी सोशल नॉर्म्स हैं, तो वो सारी नॉर्म्स और सोशल जो इम्पैक्ट होता है एक चाइल्ड का, या जो एक सोशल इम्पैक्ट होता है एक ह्यूमन के ऊपर, वो सारा आपका आता है सोशल डेवलपमेंट में। जैसे हमारी जो हमारी सराउंडिंग होती है, जो हमारा हमारी सोसाइटी होती है, वो भी टाइम टू टाइम चेंज होती है और डेवलप होती है। उसके बाद आपका आता है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का मतलब हुआ जो ओवरऑल करेक्टरिस्टिक होती है एक पर्सन के अंदर, एक ह्यूमन के अंदर, वो सारी करेक्टरिस्टिक्स जो उसके अंदर क्वालिटी बिल्डअप होती है, जो डिफरेंट टाइप की क्वालिटीज़ है, जैसे इंटेग्रिटी हो गई, ऑनेस्टी हो गई, या और भी जो डिफरेंट टाइप की क्वालिटीज़ हैं, वो सारी क्वालिटीज़ आपकी आती हैं पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में। परपिचुअल इसको क्यों बोलते हैं, यहाँ पर क्यों एक टर्म यूज़ किया है इन्होंने परपिचुअल? परपिचुअल का मतलब होता है जो ऑनगोइंग होती है, ओके, ऑनगोइंग। तो ऑनगोइंग हम क्यों इसको कह रहे हैं? ऑनगोइंग हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि जो डेवलपमेंट प्रोसेस है वो हमेशा चलती रहती है। डेवलपमेंट प्रोसेस ऐसी नहीं है कि ये ख़त्म हो जाएगी विद टाइम, डेवलपमेंट आपका हमेशा चलता रहता है, तो इसलिए इसको हम ऑनगोइंग या एवरगोइंग प्रोसेस भी बोलते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं।
Development does not just involve the biological and physical aspects of growth, but also the cognitive and social aspects associated with development throughout life. तो मैंने आपको बताया कि सिर्फ फिजिकल या बायोलॉजिकल एस्पेक्ट ही ग्रोथ का नहीं कवर होगा इसमें, मतलब कि हमारी हाइट बढ़ रही है, हमारा वेट बढ़ रहा है, हमारा माइंड डेवलप हो रहा है, तो सिर्फ वही सारी चीज़ें नहीं कवर होंगी। इसके अलावा जो हमारा बौद्धिक विकास है, मतलब जो हमारा हमारी मैंटेलिटी है वो कैसे चेंज हो रही है, हमारी सोसाइटी कैसी चेंज हो रही है, हम कैसे लोगों के बीच में उठ बैठ रहे हैं, उससे हमारी चीज़ों हमारे डेवलपमेंट में क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, तो ये सारी ही चीज़ें डेवलपमेंट में आपके कवर होती है, ये सारा ही डेवलपमेंट का पार्ट है। द स्टडी ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इज इम्पॉर्टेंट इन नंबर ऑफ सब्जेक्ट इंक्लूडिंग बायोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, सोशोलॉजी, एजुकेशन, हिस्ट्री एंड साइकोलॉजी। अब हम स्टडी क्यों करते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट की, या हम चाइल्ड डेवलपमेंट के बारे में क्यों स्टडी करते हैं? देखिए, डेवलपमेंट जो है, या चाइल्ड डेवलपमेंट या ह्यूमन डेवलपमेंट, ये सारे ही डिफरेंट डिफरेंट स्टडीज़ को इम्पैक्ट करते हैं। मतलब अगर आपको बायोलॉजी पढ़नी है तो ऑफकोर्स चाइल्ड डेवलपमेंट वहाँ पर भी होगा कि हमारे शरीर का कैसे विकास हो रहा है, ये चीज़ हम बायोलॉजी में पढ़ते हैं। तो ये आपकी क्या हो गई, ये फिजिकल डेवलपमेंट हो गया आपका। तो हम देख सकते हैं कि चाइल्ड डेवलपमेंट बायोलॉजी में भी कवर्ड है। उसके बाद हम एंथ्रोपोलॉजी पढ़ते हैं, एंथ्रोपोलॉजी में वेलफेयर की बात करते हैं, हम सोसाइटी की बात करते हैं, तो ये सारी चीज़ें भी हमारी डेवलपमेंट से रिलेटेड हुई। सोशियोलॉजी में अगेन हम सोसाइटी की बात कर रहे हैं, हम अपने एनवायरमेंट की बात कर रहे हैं, हम अपनी सराउंडिंग्स की बात कर रहे हैं, हम लोगों के बिहेवियर इम्पैक्ट की बात कर रहे हैं। एजुकेशन, अगेन एजुकेशन जब आप पढ़ना चाहते हो तो हम ये भी देखते हैं कि आपका कॉग्निटिव लेवल किस तरह से इंक्रीज़ हो रहा है, किस तरह से उसका इम्पैक्ट पड़ रहा है आपके एजुकेशन सिस्टम पे, या आपके एजुकेशन सिस्टम का क्या इम्पैक्ट है आपके कॉग्निटिव लेवल पे, तो ये भी हम डेवलपमेंट का पार्ट ही हुआ। इस तरह हम कह सकते हैं कि जो आपका ह्यूमन डेवलपमेंट है, या स्टडी ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट है, या ह्यूमन डेवलपमेंट है, ये सारी ही फील्ड आपके डिफरेंट सब्जेक्ट्स को इम्पैक्ट करती है। अब जैसे हम हिस्ट्री की बात करते हैं, हिस्ट्री भी कहीं ना कहीं देखी जाए तो हिस्ट्री भी कुछ ना कुछ तरीके से डेवलपमेंट से रिलेटेड है। जिस तरीके से ग्रोथ हुआ, जिस तरीके से इवोल्यूशन हुआ, तो वो कहीं ना कहीं आपको कंट्रीब्यूट किया है टू द डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड और टू द डेवलपमेंट ऑफ द ह्यूमन। उसके बाद आपका साइकोलॉजी आता है। साइकोलॉजी में भी हम कॉग्निटिव लेवल एनालिसिस करते हैं, हम लोगों के बौद्धिक स्तर का विश्लेषण करते हैं कि किस तरह उनका बौद्धिक स्तर कैसे डेवलप हो रहा है, कैसे वो चेंजेस आ रहे हैं उनके अंदर, तो ये सारी चीज़ें भी इम्पैक्ट करती है। उसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट है आपका, मोस्ट इंपॉर्टेंट आर द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ स्टडिंग ह्यूमन बिहेवियर और ह्यूमन डेवलपमेंट बाय बेटर अंडरस्टैंडिंग हाउ एंड व्हाई पीपल चेंज एंड ग्रो। वन कैन अप्लाई दिस नॉलेज टू हेल्पिंग पीपल लिव अप टू देयर फुल पोटेंशियल। अब आप मुझे बताइए कि बेनिफिट क्या है। अब जब हम ह्यूमन डेवलपमेंट पढ़ रहे हैं या चाइल्ड डेवलपमेंट पढ़ रहे हैं, तो इसको पढ़ने का हमारे ऊपर क्या बेनिफिट पड़ रहा है, या ऐसा क्या रीज़न है कि हम इसको पढ़ रहे हैं? देखिए, जब हमें नॉलेज होती है चाइल्ड डेवलपमेंट की या ह्यूमन डेवलपमेंट की, तो हमें पता चलता है कि इसका इम्पैक्ट क्या होने वाला है और लोगों के ऊपर इसका इम्पैक्ट क्या पड़ने वाला है और कैसे हम इसको यूज़ करके हम इसका बेनिफिट उठा सकते हैं। तो बेसिक बेनिफिट ये है कि जब आपको ये पता होता है कि डेवलपमेंट किस एरिया में चल रहा है या डेवलपमेंट किस तरीके से हो रहा है, तो हम उस चीज़ को फुली यूटिलाइज़ कर पाते हैं। हम लोगों की जो होता है, जैसे आप कह सकते हो कि लोगों की ग्रोथ में उसका इम्पैक्ट देख सकते हैं, लोगों की ग्रोथ कितनी अच्छी हो हम ये डिसाइड कर सकते हैं। मतलब ऑलरेडी आपके पास प्रिंसिपल्स हैं, आपके पास प्रैक्टिसेस हैं, अब आपको पता है कि उनको कैसे आपको यूज़ करना है सो दैट पीपल विल बी एबल टू अचीव देयर फुल पोटेंशियल। जो उनकी कैपेबिलिटीज़ है, जो उनके अंदर एबिलिटीज़ है, वो सारी चीज़ें वो यूज़ कर पाएँ, वो उसको प्राप्त कर पाए। तो ये सारी चीज़ें कब पॉसिबल है? जब हमें डेवलपमेंट के बारे में फुल नॉलेज होगी, हमें पता होगा कि डेवलपमेंट कैसी, किस तरह का ये प्रोसेस है, कैसे हम इसको इम्पैक्ट कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ें हो सकते हैं जिसके थ्रू हम बेटर डेवलपमेंट कर सकते हैं, तो ये सारी चीज़ों की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी होती है। तो चलिए अब बात करते हैं चाइल्ड डेवलपमेंट के बारे में। हमने डेवलपमेंट पढ़ लिया, डेवलपमेंट क्या होता है, इसका रीज़न क्या है, इसका मीनिंग क्या है, और हम डेवलपमेंट को क्यों पढ़ते हैं, इसके बेनिफिट्स क्या हैं, ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली। तो अब चलिए देखते हैं कि चाइल्ड डेवलपमेंट क्या है और चाइल्ड डेवलपमेंट में डेवलपमेंट का क्या रिलेशन है। चाइल्ड डेवलपमेंट इज ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड। इट एंटाइटल्स द बायोलॉजिकल, psychological and emotional changes that occur in human being between birth and end of adolescence. तो आप यहाँ पे देख रहे हो डेवलपमेंट में हम क्या बात कर रहे थे, डेवलपमेंट में हम बात कर रहे थे फ्रॉम बर्थ टिल डेथ। ओके,
अब यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं, हम यहाँ पे बोल रहे हैं बिटवीन बर्थ एंड एडोलसेंस। तो पहला ही आपका हो गया कि चाइल्ड डेवलपमेंट में सिर्फ ये फेज़ आपकी कवर होती है, आपके बर्थ से लेके आपके एडोलसेंस वाली जो फेज़ है सिर्फ वही कवर होगी। उसके बाद यहाँ पे इन्होंने बोला है कि जो चाइल्ड डेवलपमेंट होता है उसमें बायोलॉजिकल डेवलपमेंट भी होता है, साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट भी होता है एंड इमोशनल डेवलपमेंट भी होता है। तो हम इसमें तीन चीज़ें कवर कर रहे हैं, बायोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल एंड इमोशनल। तो ये सारी चीज़ें आपके क्या है, ये चाइल्ड डेवलपमेंट के पार्ट हैं। चाइल्ड डेवलपमेंट इज़ द फील्ड दैट इन्वॉल्व्स द साइंटिफिक स्टडी। अब यहाँ पे भी हमें साइंटिफिक स्टडी करना पड़ता है। क्यों साइंटिफिक स्टडी करना पड़ता है, क्योंकि जब हम चाइल्ड डेवलपमेंट की बात करते हैं तो कुछ एक ऐसी चीज़ें होती हैं, मतलब कुछ ऐसी प्रैक्टिसेस होती है, कुछ ऐसी टेक्निक्स होती है जिनके थ्रू हम साइंटिफिकली ये स्टडी कर पाते हैं कि चाइल्ड का विकास कैसे हो रहा है, एक बच्चे के अंदर कैसे, एक शिशु के अंदर कैसे विकास होता है और वो विकास कैसे उसकी ग्रोथ में उसका सहायक बनने वाला है, मतलब उसकी ग्रोथ में उसको कैसे बेनिफिट पहुँचाने वाला है। ये सारा चीज़ हम साइंटिफिक डेवलपमेंट या चाइल्ड डेवलपमेंट के साइंटिफिक स्टडी के थ्रू ही कर सकते हैं। चाइल्ड डेवलपमेंट इज द फील्ड दैट इन्वॉल्व्स द साइंटिफिक स्टडी ऑफ द पैटर्न्स ऑफ ग्रोथ चेंज एंड स्टेबिलिटी दैट अकर्स फ्रॉम कंसेप्शन थ्रू एडोलसेंस। अब यहाँ पे यही चीज़ बात करी है कि जो पैटर्न ऑफ ग्रोथ हो रहा है, जिस तरीके से ग्रोथ हो रही है एक चाइल्ड की, या जो चेंजेस आ रही है या स्टेबिलिटी आ रही है, ठीक है, जो चेंजेस है या जो स्टेबिलिटी उसकी पर्सनैलिटी में आ रही है या उसकी डेवलपमेंट में आ रही है, और कब से कब तक, फ्रॉम कंसेप्शन थ्रू एडोलसेंस। ओके, वहाँ पर हमने कॉन्सेप्शन टिल डेथ की बात की थी, यहाँ पे एडोलसेंस की बात करिए चाइल्ड डेवलपमेंट में, कि दोनों ही पीरियड के बीच में जो ओवरऑल उसके अंदर चेंजेस आ रहे हैं, जो ओवरऑल उसके अंदर ग्रोथ के अंदर चेंजेस है, जो स्टेबिलिटी के अंदर चेंजेस है, वो सारा ही आपके चाइल्ड डेवलपमेंट का पार्ट होगा। इट गिव्स एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ अ चाइल्ड इज एबल टू डू कॉम्प्लेक्स थिंग्स एज ही गेट्स ओल्डर। तो अब हम कह सकते हैं कि इसके थ्रू ही चाइल्ड डेवलपमेंट जब हम पढ़ते हैं तो ये हमें पता चलता है कि कैसे चाइल्ड का विकास हो रहा है, कैसे वो नॉर्मल चीज़ें करते करते वो कॉम्प्लेक्स चीज़ें करने लग गया है। जैसे देखिए, नॉर्मल चीज़ें आप पहले क्या होता है, बच्चा कोई चीज़ पकड़ नहीं पाता है, वो अपना हाथ उठाता है कोई भी सामान को पकड़ने के लिए, उसका होल्ड प्रॉपर नहीं बनता, उसकी ग्रिप प्रॉपर नहीं बनती है। तो ये क्या है, ये इसका फिजिकल डेवलपमेंट है। पहले क्या था, उसके मसल्स होते हैं स्ट्रांग नहीं थे, लेकिन टाइम के साथ जैसे जैसे टाइम बीतता जाता है उसके मसल्स क्या होते हैं, बहुत ही स्ट्रांग हो जाते हैं और वो चीज़ों को और अच्छे से कर पाता है। तो ये आपकी है कि कैसे एक बच्चा नॉर्मल चीज़ें करते करते कॉम्प्लेक्स चीज़ें करने लग जाता है जैसे जैसे वो बड़ा होता है। तो इसको हम कैसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं, कैसे इसको समझ सकते हैं, हम तभी समझ सकते हैं जब हमें प्रॉपर नॉलेज होगी चाइल्ड डेवलपमेंट के बारे में। लाइक मेंबर्स ऑफ अदर साइंटिफिक डिसिप्लिन, रिसर्चर्स इन चाइल्ड डेवलपमेंट टेस्ट देयर अजम्पशंस अबाउट द नेचर एंड कोर्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट बाय अप्लाइंग साइंटिफिक मेथड। तो इसका क्या मतलब हुआ कि जो आपके प्रॉपर मतलब रिसर्चर्स थे, जो चाइल्ड डेवलपमेंट के रिसर्चर्स थे, उन्होंने अपनी अजम्पशंस को टेस्ट किया और उन्होंने बताया कि किस तरीके के नेचर एंड कोर्सेज होते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट के जब हम साइंटिफिक मेथड्स को यूज़ करते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब बेसिकली ये हुआ कि जो चाइल्ड डेवलपमेंट है ये भी कोई ऐसे कोई मतलब विदाउट कोई साइंटिफिक मेथड का की स्टडी नहीं है। यहाँ पे भी साइंटिस्ट थे, उन्होंने अपना मतलब बहुत सारे साइंटिफिक कॉन्ट्रीब्यूशन दिया, उसके बाद हमने ये स्टडी बनाई, तब हमने जाकर चाइल्ड डेवलपमेंट के बारे में इतना सब कुछ जाना है, जब हमें ऑलरेडी बहुत सारी साइंटिफिक प्रैक्टिसेस को पढ़ना पड़ा है, ठीक है। और उन साइंटिफिक प्रैक्टिसेस के थ्रू, उन अजम्पशंस के थ्रू हमें पता चला कि क्या नेचर होता है एंड क्या कोर्स ऑफ एक्शन होता है ड्यूरिंग द ह्यूमन डेवलपमेंट और ड्यूरिंग द चाइल्ड डेवलपमेंट एंड व्हाट आर द साइंटिफिक मेथड्स दैट आर इन्वॉल्व्ड इन द प्रोसेस। उसके बाद However, regardless of approach, all child developmentalists view development as a continuing process through childhood and adolescence. तो जितनी भी approaches थी, बहुत सारी different approaches हुई वहाँ पर, अभी मैं आपको आगे explain करूँगी जो different type of theories हैं child development की, या आप उनको approaches भी बोल सकते हो। तो ये जो अलग अलग टाइप के अप्रोचेज हैं, इन्होंने अपना अलग अलग व्यू दिया चाइल्ड डेवलपमेंट के, लेकिन एक चीज़ उन्होंने सबने सेम कही है कि जो चाइल्ड डेवलपमेंट होता है वो चाइल्डहुड से लेकर एडोलसेंस के बीच में होता है। तो ये जो जब आप चाइल्ड डेवलपमेंट पढ़ते हो तो आपको कहाँ तक का टाइम कवर करना है, आपको चाइल्डहुड से लेकर एडोलसेंस का जो टाइम है यही आपका कवर होगा, ना कि डेथ तक का टाइम। जो ये आपका फेज़ है चाइल्ड बर्थ से लेकर एडोलसेंस, यही आपका कवर होता है इसमें, ना कि डेथ तक का। तो नेक्स्ट जो आपकी वीडियो आएगी उसमें हम बात करेंगे एम ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। आई होप ये टॉपिक आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, चाइल्ड डेवलपमेंट क्या होता है, डेवलपमेंट क्या होता है। अगर कोई भी क्वेरी हो या कोई भी ऐसे टॉपिक हो जो आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू सो मच, कीप ऑन वॉचिंग, कीप ऑन लर्निंग।